हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अब है एक्सेल कंप्यूटर में। स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी अक्टूबर के एग्जाम चल रहे हैं और इस समय पर एक क्वेरी आई थी कंप्यूटर डिवाइसेस एंड देयर इन्वेंटर्स, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार भी कि आईसी चिप का विकास किसने किया है, माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा डेवलप किया गया है ना। तो कंप्यूटर के डिवाइसेस और उनके आविष्कारक, ऐसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इस बार भी एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। और इस चीज के लिए क्वेरी किया था कल विजय पाल यादव जी ने। सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय पाल यादव जी ने लिखा था कि सर, आज शाम को 8 बजे कंप्यूटर डिवाइसेस एंड देयर इन्वेंटर्स का एक लाइव टेस्ट हो। उन्होंने कल ये कमेंट किया था, कल तो लाइव टेस्ट हम नहीं कर पाए लेकिन उनके कहने के अकॉर्डिंग आज शाम को 7 बजे ये लाइव टेस्ट है कंप्यूटर डिवाइसेस एंड देयर इन्वेंटर्स। हमारी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो है सुबह 7 बजे, जिसमें आपको ट्रिपल सी एग्जाम से पहले एक बूस्टर टाइप का वीडियो मिलता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस उस दिन होने वाले एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल श्योर है कि वो क्वेश्चंस 100% एग्जाम में उस दिन आएंगे। दूसरी क्लास है शाम को 7 बजे और तीसरी क्लास है शाम को 8 बजे, जिसमें उस दिन ट्रिपल सी एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फुल फॉर्म्स या जो भी टॉपिक्स ज्यादा पूछा गया उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते हैं। तो ये तीनों क्लासेस आप अटेंड करिए, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है, जो ट्रिपल सी टॉप करना चाहते हैं, हमारी इन तीन क्लासेस को अटेंड करते रहे। स्टूडेंट्स, आप भी एग्जाम देने के बाद जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है उसे आप नोट करके हमें जरूर भेजिएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके यहाँ पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम नोट कर लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है BIOS। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, जो मैं नाम बताऊंगा आपको कमेंट बॉक्स में उसके फाउंडर का नाम बताना है और जस्ट 3 सेकेंड के बाद उसका राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा। BIOS के फाउंडर कौन है जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है गैरी किल्डाल। ठीक है ना, गैरी किल्डाल BIOS के फाउंडर हैं। BIOS क्या है आप सभी जानते हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन है? गैरी किल्डाल। अब आगे, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बग। कंप्यूटर बग की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है डॉक्टर ग्रेस मैरी हूपर। याद रखिएगा, डॉक्टर ग्रेस मैरी हूपर इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बग। अब नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर चिप, अर्थात कंप्यूटर का जो आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसका आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर है जेएस किल्वी एंड रॉबर्ट नोएक। इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था, जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नोएक। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क, जल्दी बताइए। हार्ड डिस्क के आविष्कारक हैं रेनॉल्ड जॉनसन। याद रखिएगा, हार्ड डिस्क रेनॉल्ड जॉनसन। अब नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट डाटाबेस। फर्स्ट डाटाबेस के इन्वेंटर कौन है? डाटाबेस के इन्वेंटर कौन है जल्दी बताइए। राइट आंसर इज डॉक्टर इगर फ्रैंक कॉट। ठीक है ना, अजीब से बहुत सारे नाम से, पहले ऐसे ही नाम होते थे, ब्रिटिश के नाम है सभी, तो डॉक्टर इगर फ्रैंक कॉट। अब नेक्स्ट, स्कैनर। स्कैनर के डेवलपर कौन है? राइट आंसर रे कुर्जबिल। ठीक है ना, विजय पाल जी ने क्वेरी की थी और विजय पाल जी मिल नहीं रहे हैं, गायब हैं। ठीक है ना, स्कैनर रे कुर्जबिल। अब आगे, स्पीकर। स्पीकर को किसने डेवलप किया? स्पीकर को डेवलप किया था अभिनव परचेज। ठीक है ना, अभिनव परचेज के द्वारा स्पीकर को डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट,
फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। तो एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर्स हैं। अब आगे, फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के फाउंडर कौन है? ये तो सिंपल था क्वेश्चन, सभी लोग आंसर दे देंगे इसका, क्योंकि बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एआई के पिता कौन है, फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर क्या है? जैक मैकार्थी। ठीक है ना, जॉन मैकार्थी या जैक मैकार्थी, ये दोनों आपके राइट हैं, और बहुत जगह जैक मिलता है और बहुत जगह जॉन मिलता है। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? तो है इसके इर्शन। ठीक है ना, इर्शन आपके ब्लूटूथ के फाउंडर हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी बताइए, सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बैबेज। अब नेक्स्ट, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के डेवलपर, सी लैंग्वेज को डेवलप करने वाले कौन है? राइट आंसर इज डेनिस रिचे। ठीक है ना, सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन है? डेनिस रिचे। अब नेक्स्ट, फादर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जल्दी बताइए, राइट आंसर इज बजाने स्टॉप। ठीक है ना, बजाने स्टॉप। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ईमेल, ईमेल के फाउंडर कौन है? तो ईमेल के फाउंडर हैं शिवा अय्यदुरई। ठीक है ना, इन्होंने ईमेल को डेवलप किया गया था, जिक भारतीय मूल के निवासी हैं शिवा अय्यदुरई, ईमेल के फाउंडर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, और उसी के फाउंडर हैं शिवा अय्यदुरई, जो भारतीय हैं। अब आगे, फाउंडर ऑफ गूगल। जब अभी हमने गूगल के बारे में बताया था, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च इंजन्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स बताए थे, तब वहां पर गूगल के बारे में बताया था, और वहां पर सभी के बारे में डिटेल में समझाया था कि किसका निर्माण किसने और कब हुआ, कब डेवलप किया गया। उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कल क्वेश्चन आया था कि यांडेक्स क्या है, तो सभी लोग को नहीं पता है कि यांडेक्स क्या है। यांडेक्स एक सर्च इंजन है, सब कुछ मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, गूगल कौन है? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। अब फाउंडर ऑफ इंटरनेट, तो फाउंडर ऑफ इंटरनेट कौन है? सभी लोग जानते हो विंड कर्व। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट के फाउंडर कौन है? ये क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में आता है। ठीक है ना, तो इंटरनेट के फाउंडर कौन है? विंड कर्व। अब आगे, फादर ऑफ जावा, जल्दी बताइए, जावा के फादर अर्थात जावा के डेवलपर कौन है? तो राइट आंसर इसका होगा जेम्स ग्लॉसिंग। ठीक है ना, जॉन्स गॉसलिंग आपके जावा के फादर। फिर है फाउंडर ऑफ कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के फाउंडर कौन है? जब कीबोर्ड मैंने डिटेल में पढ़ाया था, एक एक बटन के बारे में, एक एक कीज के बारे में आपको काफी डिटेल में समझाया था, कीबोर्ड के फाउंडर कौन है जल्दी से बताइए? तो कीबोर्ड के फाउंडर हैं क्रिस्टोफर लैथम सोलैस। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोलैस। अब आगे, फाउंडर ऑफ लिनक्स, लिनक्स के फाउंडर कौन है? तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है लिनस टोरवाल्ड्स। लिनक्स के फाउंडर हैं लिनस टोरवाल्ड्स। अब आगे, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन। अब आगे, फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन्स, तो इसका राइट आंसर है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर मोबाइल फोन्स के फाउंडर हैं, इन्होंने ही मोबाइल फोन को डेवलप किया था। अब आगे, फाउंडर ऑफ माउस, माउस के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर इज डगलस एंजल बर्ट। माउस के आविष्कारक हैं डगलस एंजल बर्ट। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ऑर्किल, तो इसका राइट आंसर है
इडियट्स लैरी इल्सन एंड बॉब माइनर, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, फाउंडर्स ऑफ ऑरकल हैं इडियट्स लैरी इल्सन एंड बॉब माइनर। अब आगे, फाउंडर ऑफ पीएचपी, तो इसका राइट आंसर क्या है, रेम्बस लेडर, ठीक है ना, फाउंडर ऑफ पीएचपी कौन है, रेसम लेडर ऑफ। अब आगे, फाउंडर ऑफ यूएसबी, काफी इंपॉर्टेंट है यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास शाम को 8 बजे होगी, कुछ ही देर बाद, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज 14 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, और काफी नए क्वेश्चंस आज मिले हमारे पास, भेजा है बहुत सारे लोगों ने, आज भेजा है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं कुछ आज शाम को डिस्कस करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो होंगे कल मॉर्निंग की क्लास में 7:00 बजे हम डिस्कस करेंगे, तो जिनका भी कल एग्जाम है वो सुबह की क्लास जरूर अटेंड कर लेंगे। तो फाउंडर ऑफ यूएसबी कौन है, अजय वी भट्ट, अजय वी भट्ट हैं यूनिवर्सल सिलेबस के फाउंडर। अब आगे, फाउंडर ऑफ www, तो www के आविष्कारक कौन है, सभी लोग जानते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इज टिम बर्नर्स-ली। अब www का पूर्ण रूप क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है, तो www के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ याहू, याहू के फाउंडर कौन है, तो राइट आंसर इसका जेरी यंग एंड डेविड फिलो, ठीक है ना, जेरी यंग एंड डेविड फिलो ने मिलकर याहू की खोज की थी, याहू आपका एक वेब पोर्टल है, यह आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था जॉन बर्डिन एंड वॉल्टर बर्टन एंड विलियम सोल्क, ठीक है ना, तीन लोगों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था, ठीक है ना, जॉन बर्डिन, वॉल्टर बर्टन एंड विलियम सोल्क, कब किया था, तो 1947 से 1948 के बीच में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। अब आगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जल्दी बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का किया था जीएस किल्वी एंड रॉबर्ट नोइक, ठीक है। अब आगे, ट्रैक बॉल, तो इसका राइट आंसर है टॉम क्रिस्टन एंड फ्रेड लॉन्ग स्टॉफ, ठीक है ना, दो लोगों ने मिलकर ट्रैक बॉल का आविष्कार किया था, ट्रैक बॉल माउस की तरह ही दिखता है और वैसे ही वर्क करता है, तो टॉम क्रिस्टन एंड फ्रेड लॉन्ग स्टॉफ ने किया था ट्रैक बॉल का आविष्कार। अब आगे, कंप्यूटर माउस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने किया था, कब किया था, 1964 में। तो एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि माउस का आविष्कार कब हुआ, तो माउस का आविष्कार कब हुआ था, 1964 में। अब आगे, माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का किया था, यहां पर दिया हुआ है पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, ठीक है, फ्लॉफी डिस्क, फ्लॉफी डिस्क के फाउंडर कौन है, तो फ्लॉफी डिस्क के फाउंडर हैं एलन शुग्राथ एंड आईबीएम, ठीक है, ये कंपनी है, कंपनी ने फ्लॉफी डिस्क का किया था। अब आगे, लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर के आविष्कारक हैं गैरी स्टॉक वेदर, कब हुआ था लेजर प्रिंटर का आविष्कार, ये क्वेश्चन में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो लेजर प्रिंटर का आविष्कार हुआ था 1969 में लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया गया था, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए या अदर एग्जाम के लिए मैं उनकी काफी हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट क्लास शाम को 8 बजे है, जिसमें होंगे 14 अक्टूबर को आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चंस, तो वो क्लास भी आप जरूर अटेंड करिएगा, और मॉर्निंग में जो 7 बजे की क्लास है उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद शाम को 8 बजे, तब तक के लिए बाय।